हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रेगनेंसी केयर विद मेघा। मैं मेघा आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही खुश होंगे। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान मॉर्निंग सिकनेस होना, उल्टी आना बहुत ही आम बात है। मैक्सिमम महिलाओं को ये समस्या होती ही है। कुछ को प्रेगनेंसी के शुरुआत में होती है, कुछ को आखिरी तिमाही में होती है और कुछ लोगों को नहीं भी होती, लेकिन बहुत अधिक अगर मैं बात करूं 50 से 70% लोगों को ये समस्या होती ही है। तो अगर आपको भी मितली या मैं कहूँ उल्टी की समस्या है मॉर्निंग के समय, तो उससे राहत पाने के लिए आप कौन कौन से टिप्स अपना सकती हैं, तो आज की इस वीडियो में आपके लिए इसके बारे में जानकारी लेकर आई हूँ और उम्मीद करूंगी आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे। अच्छा लगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। देखिए, अगर आप भी सुबह को उल्टी आने से परेशान हैं तो आप क्या कर सकती हैं? कभी भी खाली पेट बेड से ना उठें। देखिए क्या होता है कि मॉर्निंग में मतली या फिर मेरे को उल्टी की समस्या बहुत अधिक परेशान करती है, और जब आप खाली पेट उठते हैं ना और बहुत थोड़ी देर तक नाश्ता नहीं करते हैं तो ये समस्या और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो कोशिश करें जब भी आप बेड से उठती हैं, 2 बिस्किट, रस वगैरह कुछ भी थोड़ा सा खाकर जरूर उठे, जिससे कि आपकी ये समस्या काफ़ी हद तक कम हो सके। दूसरी चीज़ आप क्या कर सकती हैं कि जब भी आप पूरे दिन में खाना खाती हैं, एक तो लाइट खाना खाएं और थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में खाना खाएं, क्योंकि खाने का जो पोर्शन होता है, अगर आप बहुत अधिक खाना एक ही समय में खा लेती हैं तो इससे भी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वीक तो ऑलरेडी है और भी ज़्यादा वीक हो जाता है, क्योंकि वो इतने खाने को एक साथ हजम नहीं कर पाता है। तीसरा है कि खाना खाने के बाद या पहले जब भी है, लिक्विड की मात्रा बहुत अधिक मैनेज करें, क्योंकि जितना आप लिक्विड लेती हैं उतना ही आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से वर्क कर पाता है। तो उसमें आप नारियल पानी, दूध पानी, नींबू पानी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप चेंज कर करके ले सकती हैं, लेकिन मात्रा का बहुत अधिक ध्यान रखिए, किसी भी चीज़ का आपको एक्सेस में नहीं लेना है। प्रोटीन डाइट जरूर लें, प्रोटीन डाइट आपके बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है इस समय पर, और उल्टी की समस्या को कम करने में भी ये काफ़ी हद तक फायदेमंद होती है। मल्टीविटामिन आपको डॉक्टर्स देकर रखते हैं तो उसका सेवन जरूर करें। अच्छे से नींद लेना बहुत जरूरी है। देखिए, ऐसा नहीं है कि खाना हजम करने के लिए पूरा दिन आप वर्किंग रहें, नहीं, खाना हजम भी अच्छे से होगा लेकिन आपको पूरा समय के लिए, थोड़े थोड़े समय के लिए रेस्ट करना भी जरूरी है। अगर क्योंकि गर्भावस्था के दौरान रात में अच्छे से नींद नहीं आ पाती है तो आप दिन में थोड़े समय के लिए नींद अवश्य ही लें, ये आपके लिए बहुत जरूरी होगा। साथ ही साथ क्या कर सकते हैं कि आप तेल मसाज कीजिए, पैरों की मसाज कीजिए, हाथों की कीजिए, क्योंकि मसाज करने से आपको नींद बहुत अच्छी आती है, जिससे कि आपको काफ़ी आराम मिल पाता है। इसके अलावा आप अपने करीबी दोस्तों से बात कीजिए, जिससे कि आप खुश रह सकें, और खुश रहने से आपके अंदर उल्टी और ये सारी जो चीज़ें हैं ना, उनसे आपका थोड़ा सा दिमाग हटता है तो आप काफ़ी राहत महसूस करती हैं। वॉक जरूर कीजिए। ये सब चीज़ें अगर आप ध्यान रखेंगे तो मतली और उल्टी की समस्या आपकी काफ़ी हद तक कम हो सकती है। और इसके अलावा एक बात और मैं आपको बताती हूँ कि आपको कब कब वॉमिट आती है, क्या खाने के बाद आती है, सुबह को आती है, दोपहर में आती है, या फिर रात को सोने से पहले आपको वॉमिट जरूर आती है, उसको एक डायरी में नोट कर ले, तो उसकी उन चीज़ों के हिसाब से वो जो आपका टाइम है ना, कि अब मेरे को 10 बजे, अगर मैंने 9 बजे खाना खाया तो मेरे को 10 बजे वॉमिट होनी होनी, तो आप 9 बजे वाला खाना अपना 7 बजे शिफ्ट कर लीजिए, जिससे कि आप उस समय होने वाली उल्टी से बच सकें। क्योंकि उल्टी होने से एक तो आपको कमजोरी आती है, दूसरा है कि जो भी आपने खाया होता है वो निकल जाता है, तीसरा है कि आपके बच्चे तक पोषक तत्व तो नहीं पहुँच पाते हैं। तो थोड़ा खाएंगे, अच्छा खाएंगे, स्वस्थ रहेंगे। ड्राई फ्रूट्स वगैरह जरूर खाएं, जिससे कि आपको फायदा हो सके। तो उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्रेगनेंसी केयर विद मेघा। थैंक यू, नमस्कार।